हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक हाउस प्लानिंग। यह प्लान पूरा 1500 स्क्वायर फिट के अंदर बना हुआ है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो ये है 30 फिट, और इसकी जो लेंथ है वो है 50 फिट। इस हाउस प्लानिंग के अंदर दो बेडरूम हैं। जो पहला बेडरूम है वो है 12 बाई 10 फिट, और ये टॉयलेट अटैच बाथरूम जिसकी साइज है 5 बाई 6 फिट। और यहाँ पर बाहर की तरफ कॉर्नर में एक इसका वॉश बेसिन है, और दूसरा बेडरूम जिसकी साइज है 10 बाई 14 फिट, और इसकी स्टेयर ऊपर जाने के लिए यहाँ स्टेयर ये साइज में बना हुआ है 10 बाई 8 फिट में स्टेयर। और इसका जो किचन है उस किचन की साइज है 10 बाई 10 फिट, 10 बाई 10 फिट हो गए। और ये जो लॉबी के जाने के लिए जो स्पेस है गेट, वो साइज बनाई है स्पेस है वो है 5 बाई 10 फिट के अंदर। और ये मीटिंग हॉल ये मीटिंग रूम बोल सकते हैं इसको, इसकी साइज है 12 बाई 10 फिट। ये है लॉबी प्लस डाइनिंग एरिया, इसकी साइज है ये अच्छी साइज के अंदर बना हुआ है, और इसकी साइज है 18.6 इंच बाई 14.9 इंच के अंदर। और ये जो पार्किंग एरिया है जिसके अंदर यहाँ पर पार्किंग कार के लिए जगह है, प्लस यहाँ पर मिनी गार्डन भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, इसकी पूरी ये पूरा बना हुआ है। अगर इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये है पूरा 28.6 बाई 14.9 इंच के अंदर जो पूरा स्पेस है इसके अंदर। ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर छोटा सा गार्डन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह। ये है विंडो किचन के लिए, स्टेयर के बाहर के विंडो, ये रूम के लिए भी वेंटिलेशन के लिए, ये रूम के लिए दो विंडो, ये लॉबी के लिए विंडो, और यहाँ पर एक बड़ी विंडो जो पूरी ग्लास की है। ये है मीटिंग हॉल के लिए, यहाँ पर छोटी सी एक वॉल लगी हुई है। ये डोर एरिया है, ये एंट्री, एक स्मॉल मेन गेट, और ये पार्किंग के लिए गेट है, यहाँ से एंट्री है। ये पूरा बना हुआ है 1500 स्क्वायर फिट के अंदर। अब इसकी बात करूँ तो मैं, सबसे पहले हम
यहाँ से इस गेट से जाएंगे जो स्कूल गेट है, और गाड़ी अगर पार्किंग खड़ी करनी हो अपनी कार वगैरह तो यहाँ से हम जाएंगे कार को, यहाँ पर कार खड़ी कर सकते हैं आराम से। इस छोटे गेट से जाने के लिए जो हम आते हैं, तो यहाँ से गेट के आने के लिए यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी है बाहर, एक स्मॉल स्विमिंग पूल है। यहाँ पर छोटा सा बच्चों के लिए एक बगीचा सा लगा हुआ है, गार्डन। और अंदर जाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और अंदर जाएंगे तो ये सबसे पहले किचन आएगा यहाँ पे, और ऊपर जाने के लिए अब तो ये स्टेयर है जो ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ भी, यहाँ पर अगर टॉयलेट बाथरूम देना चाह सकते हो तो यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, या और कुछ भी यहाँ पर एडजस्ट अपने अनुसार कर सकते हो। और ये है मीटिंग हॉल, ये पूरा ग्लास का लगेगा ये पूरी वॉल। और यहाँ पर अगर वॉल की जगह छोटी वॉल देना चाहते हो, या यहाँ पर ग्लास देना चाहते हो, या ओल्ड, या ओल्ड की डिज़ाइन देना चाहते हो, कुछ भी दे सकते हो। और ये है लॉबी, और ये है एक मास्टर रूम, और एक टॉयलेट बाथरूम अटैच, और एक ये है बेडरूम।